ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में टीम इंडिया का खेल काफी खराब रहा। टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज ढाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। दूसरी पारी में न विराट कोहली का बल्ला चला, न चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे विकेट पर पैर जमा पाए। कोहली ने 4 रन बनाए, मयंक अग्रवाल ने सबसे ज्यादा 9 रन बनाए, जबकि हनुमा विहारी 8 रन बनाने में कामयाब रहे। पुजारा, रहाणे और अश्विन खाता भी नहीं खोल पाए। इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ जब सभी 11 खिलाड़ी डबल फिगर तक पहुंचने में नाकामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से हेजलवुड ने सिर्फ 8 रन खर्चे और 5 विकेट लिए, जबकि पैट कमिंस ने 21 रन देकर 4 विकेट लेने में कामयाब रहे। वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूधिया रोशनी में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में अपनी दूसरी पारी में 36 रन बनाए, जो उसका टेस्ट में काफी कम स्कोर है। भारतीय टीम ने जब 9 विकेट पर 26 रन बनाए थे, तब मोहम्मद शमी को चोटिल होने के कारण क्रीज छोड़नी पड़ी। भारत ने इस तरह ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 90 रनों का लक्ष्य रखा। इससे पहले भारत का न्यूनतम स्कोर 42 रन था, जो इंग्लैंड के खिलाफ 1974 में लॉर्ड्स में बनाया था। ये टेस्ट क्रिकेट में 5वां न्यूनतम स्कोर है। रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम है, पर जिसने 1955 में इंग्लैंड के खिलाफ ऑकलैंड में 26 रन बनाए थे। वहीं भारत ने पहली पारी में 244 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 151 रनों पर ढेर किया था। वहीं दूसरी तरफ 53 रन की बढ़त के साथ उतरी थी। भारत ने दिन की शुरुआत 1 विकेट के नुकसान पर 9 रनों के साथ की थी। वहीं तीसरे दिन वह लगातार विकेट खोती रही। वहीं जोस हेजलवुड ने बेहतरीन स्पेल डाला और भारत को टेस्ट में उसके सबसे कम स्कोर पर समेट दिया। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।